पे भी इतनी ज्यादा बर्फ इकट्ठी हो गई है, लगभग 2 फीट के आसपास बर्फ फिर से पड़ चुकी है। रास्ता भी पूरा ढक चुका है और जो ये सामने को रास्ता लगाया हमने गाय के पास की तरफ, ये भी खुद चल के लगाया सुबह सुबह जल्दी उठ के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिलहाल गाँव में लगातार 3rd टाइम हो चुकी है स्नोफॉल और इस बार 2 फीट बर्फ पड़ी है गाँव में। पिछली 2 रातों में ना काफी बर्फ लगी। दिन के टाइम तो ऐसा होता था ये बर्फ रुक जाती थी तो उतना ज्यादा आइडिया नहीं लगता था हमको कि कितनी पड़ी है, पर रात के टाइम ये ओवर ही पड़ने लग जाती थी और पता ही नहीं लगा कब जैसे ये बर्फ जम कितनी सारी इकट्ठी हो गई। ऐसी बर्फ में जो दिक्कत होती है इंसान को वो होती है बाहर के काम करने में, जब बाहर निकल के काम करना पड़ता है। जो साथ तुम्हारा हो तो मुश्किल होती ना, खुशियों की मेरी चाबियां तुम ही हो ना। उम्दा उम्दा बोलते कभी। आज पूरे 2 दिन के बाद इतनी अच्छी धूप लगी है ना, एकदम सुकून मिल रहा है धूप की फ्रेश लाइट में। इधर गाय के पास के छत में ना पानी इकट्ठा होके रात को जम गया है, इतने लंबे लंबे स्टिक्स ही जमी है शान की, जो ये बर्फ है टूट भी नहीं रही है, मैंने तोड़ दिया को। बर्फ का जो थोड़ा बहुत पानी मेल्ट होता है ना वो भी पूरी तरह से जमीन पे गिरता नहीं है, उसकी शान की बड़ी सी स्टिक बन जाती है, सारा जम के इकट्ठा हो जाता है एक स्टिक में। पिछली 2 बारी जब स्नोफॉल हुई थी ना तब फर्स्ट टाइम तो हमने एक स्नोमैन बनाया था और सेकंड टाइम इग्लू बनाया था, तो अब ऐसा है कि 3rd टाइम स्नोफॉल हो चुकी है तो अब समझ में नहीं आ रहा है अब ऐसा क्या इंटरेस्टिंग करे स्नोफॉल में। तक धूप नहीं लगी ना तो इसीलिए बर्फ वाले रास्ते सेट भी नहीं हुए क्योंकि अभी भी ये बर्फ पाउडर जैसी रही हुई है, बिखर रही है। अगर धूप लगेगी तब जाके ये बर्फ थोड़ी अच्छे से जमेगी और सेट होगी, तब जाके रास्ता भी अच्छा बनेगा चलने के लिए। इधर का ये जो रास्ता है ना इतना ज्यादा मैस हुआ है बर्फ के बीच, ये सारी ओरियो की शरारत है। उसको जैसे ही सुबह बाहर निकाला उसने बर्फ के बीच जो अपनी शरारतें शुरू कर दी और मस्तियां शुरू हो गई उसकी। इस बार बर्फ काफी दूर दूर तक पड़ी है पहाड़ियों पर भी, लास्ट टाइम जब 2 बारी बर्फ लगी थी तब इतनी ज्यादा नहीं पड़ी थी, पर इस बार गर्म इलाके तक गई है बर्फ पड़ते हुए, लो हाइट के एरिया तक पहुंच चुकी है। लगभग 3 बज चुके हैं और पार सामने वाले गांव से तो धूप चली गई है और नीचे बर्फ भी जम गई है, सुबह पाउडर जैसी हुई थी अब पानी पानी वाली हो गई है। और आगे को ओरियो चली है, ओरियो ने भी रेस लगा के रखी है बर्फ के बीच। यहाँ पे जॉनी भी पहुंच गया है अपनी पूंछ हिलाते हुए। रसाया है तुझको आँखों में बसाया, जिंदगी में मेरी आने का शुक्रिया शुक्रिया। We are all for one and one for all, तिकड़ी हमारी रिमोरा ब्लॉग्स, कह दे चिल्ला के ये सबको बता दे कहीं होगा ना हम साया। फिलहाल जॉनी भी हमेशा की तरह बीच रास्ते में आके बैठ गया है और ये जो सेब के पेड़ है इस पर से भी बर्फ झड़नी स्टार्ट हो गई है। वैसे तो देवदार के पेड़ों पे भी काफी बर्फ रही थी पर धूप लगते ही बर्फ झड़ के नीचे जमीन पर गिर गई है, थोड़े बहुत टुकड़े ही इसके ऊपर बाकी रह गए हैं। इस साल ओरी ने भी बहुत ज्यादा मस्तियां कर ली बर्फ के बीच, फुल ऑन एंजॉयमेंट ले लिया इसने स्नोफॉल होने के। इधर बर्फ के बीच है हमारी बकरे की खाने की पत्तियां और सबसे टफ काम यही होता है बर्फ के बीच जाकर बकरे के लिए पत्तियां लानी पड़ती है स्पेशली उसके खाने के लिए। बाकी ऐसा है ना गांव में तो लोगों को आदत ही होती है ये सब काम करने की, जिन्होंने पेट पाले होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये काम वो अपने डेली बेसिस पे करते हैं। वेदर तो इतना ज्यादा अच्छा होके रखा है कि आसमान की तरफ देखो ना तो एक भी बादल नजर नहीं आ रहे हैं और इतनी मस्त धूप लगने के बाद ना काफी अच्छा सा लग रहा है बाहर घूमने में भी क्योंकि लिटरली 2 दिन से ना बहुत ज्यादा ठंड हो रखी थी गांव में, आज जाकर के थोड़ा गर्म सा लग रहा है। फिलहाल 5:30 होने वाले और अभी तक सूरज डूबा नहीं है, आजकल दिन थोड़े से बड़े हो गए। तो गाइज आज के इस व्लॉग में इतना ही, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I'm sorry.